भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों आज शाम के अजब गजब वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं खुद अचंभा रह गया जब आंगनबाड़ी बहनों को व्हाट्सएप पर भारी संख्या में योगी सरकार को बधाई देते हुए देखा, क्योंकि अचंभा इस बात से होता है अभी तक यही आंगनबाड़ी वर्कर बहने योगी सरकार के खिलाफ हर दिन जो है कमेंट करती थी कि इस सरकार ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी का वादा पूरा नहीं किया, तमाम तरह तरह की बातें, या 1500 प्रोत्साहन को लागू करके भी नहीं दिया, इस तरह से अपनी समस्याओं को पहुंचाती थी। लेकिन आज जैसे ही सरकार सत्ता में आई, बहनों ने बधाइयां देते जो है वो नहीं थकी है, और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये भी बात करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर अजब गजब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आश्चर्य जैसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए मैंने लिखा भी था स्टेटस पर कि बहनों 4 माह से सभी का मानदेय बकाया भी चल रहा है, बाबा जी को बधाइयों के साथ स्टेटस पर मानदेय के लिए भी अगर आप लगा दो तो शायद योगी बाबा देख लेंगे और होली से पहले आपका मानदेय भेज देंगे, नहीं तो ज्यादा खुशी के बाद रोना भी पड़ता है, यह भी आप सब जानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि होली निकल जाए और मानदेय आप सबका ना आए, तो बिना मानदेय के आपको होली मनानी पड़े। फिलहाल आप जहां हैं भाई आपका वहां है, यानी जहां दीदी वहां हम, तो आप सब अगर इस खुशी से खुश हैं तो हम भी खुश हैं, क्योंकि आपके लिए ही तो प्रयास करते हैं। तो यहां पर एक बात और कहना चाहेंगे, इस पर कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो समझती नहीं है, उनको लगता है कि उन्होंने कहा कि लगता है आपको बाबा जी के आने की खुशी नहीं हुई। अरे आप क्या जानो हमारी खुशी कैसी है कैसी नहीं है, अरे आप अगर खुश हैं तो हम खुश हैं, हमारी खुशी इस बात से नहीं है। और ये जो सोच है ना आप सबकी, उससे कहीं बढ़कर के हमारी सोच है, वो आप शायद इतनी आसानी से कोई ना समझ पाए। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार कहा आप सबको कि सरकारें बनाने से या गिराने से बहनों कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी सरकार सत्ता में आती है उससे लड़ना होगा और अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। यहां तक कि आप लोगों को एक झलक दिखाते हैं, थोड़ी कड़वी है अभी, उस ओर ले चलेंगे, बस आप बने रहिए और समझने का प्रयास करना। 95% आंगनबाड़ी बहनें भी आज योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पर जो है बहुत खुश हैं, और बहनें खुश हैं, हमें भी खुशी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें, उनके व्हाट्सएप पर लगे स्टेटस से यह जानकारी पता चलती है, मुझसे बहने 7-8 हजार की संख्या में व्हाट्सएप पर जुड़ी है। अब उसमें हर एक बहन के स्टेटस पर, ज्यादातर 95% बहनों के स्टेटस पर योगी जी के बारे में पोस्टें लिखी हैं और बढ़िया तरीके से सब खुश हैं। अब आप सब खुश हैं तो हमें भी खुशी है। अब हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 4 महीने से बहनों आपको आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिला है। हम इसलिए लिख रहे हैं पोस्ट कि आप सब अपने मानदेय के बारे में भी तो सोचो, होली आने में 7 दिन बचे हैं, वो पैसा नहीं आएगा तो गरीब वर्कर बहने होली कैसे मनाएंगी। हो सकता है आप में से बहुत सी बहने घर में पैसों की उनके घर में दिक्कत ना हो, घर में और कोई नौकरी करने वाला हो, या खेती बाड़ी बहुत हो, या घर में पैसा बहुत ज्यादा हो, कमाने वाले और भी लोग होंगे तो उनको शायद दिक्कत ना हो, लेकिन गरीब लाचार बहने, काफी विधवा बहने भी हैं, काफी तलाकशुदा हैं, ऐसी भी बहने हैं, तो इनके घर में दिक्कतें हैं। अब यहां पर 4 महीने से मानदेय नहीं मिला, उन बहनों के लिए मैंने पोस्ट डाली थी कि कृपया यहां पर अपनी समस्या पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब समझ नहीं आता है कि आज तक आप सब क्या जो है हमें सिर्फ बलि का बकरा बना रही थी, तो एक ये अचंभा है और यही एक अजब गजब है, क्योंकि आज तक तो बहने हमारी एक यही रोना रो रही थी कि भाजपा सरकार ने मेरे साथ धोखा किया है, कुछ भी अच्छा नहीं किया है, उनके खिलाफ ही कमेंट करती थी। लेकिन आप व्हाट्सएप पर स्टेटस देख करके तो प्रतीत होता है कि बहनों को योगी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, बहनें बहुत खुश हैं, तो मुझे लगता है आंगनबाड़ी बहनों की कोई समस्याएं नहीं रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और रही बात यहां पर आवाज उठाने के लिए, तो वो तो मैं कर रहा हूं, सच्ची जानकारी दिखाना मेरा कर्तव्य है और मैं वो भी दिखा रहा हूं। आज चुनाव के दिन भी मैं अपना प्रयास वही लगाए बैठा हूं, कर रहा हूं कि इस खुशी के साथ साथ सरकार एक और खुशी दे दे कि होली से पहले आप सबका यूपी में पैसा भेज दे। सरकार सत्ता में आई है, उसका सभी लोगों का जो है, सब लोग स्वागत करते हैं, ऑल इंडिया परिवार भी स्वागत करती है योगी जी का,
ताकि वो गुद्दी संभाले बढ़िया तरीके से और बहनों की समस्याओं को दूर करे, जो पिछले 5 सालों में वो नहीं कर पाए हैं। एक बेहतर प्रयास जो बहनों के लिए करना चाहिए था, जैसी तमाम बहनों को उम्मीदें लगी थी, अगर उसको वो नहीं कर पाए हैं तो इस वाली पंचवर्षीय में वो करके दिखाए और बहनों का जो रह गई है बहनें उनका भी दिल जीत ले, ऐसा हम भी चाहते हैं। क्योंकि यहां पर आप सबको बता, देखो हिंदुस्तान में एक खबर छपी है, अब आपको कुछ कड़वा सत्य भी बताते हैं। जैसे काफी लोगों को लगता है कि सरकार बदलने से कुछ समाधान हो जाएगा, तो आप लोगों को बता दें दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल, आप सब उनको एक अच्छी छवि के नेता समझते होंगे कि बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, शिक्षा को लेकर के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा तमाम आप सोच रहे होंगे। और पंजाब में भी उनका एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है, बहुत ज्यादा सीटें पंजाब में उनकी निकली हैं, वहां पर कांग्रेस और भाजपा ऐसी कोई भी पार्टी सत्ता में दूर दूर तक दिखाई अब नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी वहां पर अब मुख्यमंत्री अपना उतारेगी और उनकी सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। अब आप सोचो, अब ऐसे वही मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, अब दिल्ली में आंगनबाड़ी बहने 31 जनवरी से धरने पर बैठी है, आप एक तस्वीर देख सकते हो किस तरीके से यूनियन की बहन को पकड़ करके पुलिस वाले खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। इससे आप लोग समझिए कुछ, ये वही तस्वीरें हैं, अपने आप में बयां करती कि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है और सब सही है, सब बेकार है। लड़ना तो आपको पड़ेगा अपने हक को पाने के लिए, ये आप अपना सोच लीजिए। बाकी मैं नहीं कहता कौन सरकार सही है कौन गलत है, ऐसा नहीं कि यूपी में भी बहनें प्रदर्शन नहीं कर रही या अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रही है। आज जहां योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पर आंगनबाड़ी बहनें बधाई भी उनको दे रही है, साथ ही साथ बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जो बधाई के साथ ही साथ जो है अपने मानदेय की भी आवाज को उठा रही है। 3 माह से इसमें लिखा है आंगनबाड़ियों को मानदेय नहीं मिला, जबकि 3 माह नहीं 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है, ये यहां पे लिखना चाहिए था। और 4 माह से बहने परेशान है, तो योगी सरकार से अब दरखास्त है कि आप सत्ता में भी आए, अब डबल इंजन की सरकार है, दोबारा भी सत्ता में आए हो, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इतिहास में बदल चुकी हैं, वो भी अभी बताएंगे। तो अब आप थोड़ा मानदेय पर गौर करिए और बहनों को मानदेय दिला दीजिए ताकि उनकी होली भी हो जाए, एक खुशी ये हो गई और दूसरी खुशी होली से पहले उनको एक और दे दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो आपने पिछले 5 सालों में नहीं किया है वो इस साल करके दिखाइए, इस पंचवर्षीय में करके दिखा दीजिए, ताकि बहनों को जो है आप पर थोड़ा जो भरोसा है वो और बढ़े और आप आगे भी जो है रहे। अब यहीं पर आपको बता दें, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना ज्यादा एडवांस बोल जाते हैं। अब जैसे कि ये नेता जी हैं, इनका ये मुन्नवर राणा जी हैं, इन्होंने कहा था कि योगी अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, ये विपक्ष के थे नेता, अब ये ऐसे बोल रहे थे। तो अब भाई आज 10 तारीख को वोटिंग हो गई और मुख्यमंत्री जी फिर से बन रहे हैं, तो अब ऐसे नेता को अपना यूपी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही एक जो है सत्य है। और अगर अपने मन से छोड़ देंगे तो ये उनका एक खुददारी कहलाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से, यानी अच्छे होंगे कि अब बातदार इंसान कह जाएंगे कि उन्होंने जो बात कही थी उस पर उन्होंने अमल किया। अब देखते हैं ये मुन्नवर राणा जी जो पहले ये डींगे मार रहे थे कि जो है अगर योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम जो है यहां पर यूपी से पलायन कर जाएंगे, यूपी में नहीं रहेंगे, यूपी में रहने की हमको जरूरत नहीं है, ऐसा सब इन्होंने कहा हुआ था। तो अब देखते हैं कि ये मुन्नवर राणा यूपी छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, क्योंकि बाबा जी तो लखनऊ पे भैया बुलडोजर लेके आ गए हैं। तो देखो, अब रही बात खुशी की, तो भैया सबको खुशी है, ऑल इंडिया परिवार को भी खुशी है, बाकी जो भी लोग दुखी हैं उन सबको बस यही समझाना चाहेंगे छोटे भाई के तौर पर कि दुखी मत हो, कोई भी सरकार आए आपको खुशी रहना चाहिए। रीजन ये है, मान लो आप सपा चाहते थे, मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो सपा चाहते थे, बहुत से भाजपा जो है बसपा चाहते थे, तो कोई आम आदमी पार्टी चाह रहा होगा, तो कोई भी आप कैंडिडेट चाह रहे हैं, तो अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं भाई, आपके हमारे केवल चाहने से ही थोड़ी कुछ होगा, जनता में और भी लोग हैं, अब जो उन्होंने चुना है वही जो सत्ता में आए हैं, तो अब इस बात को आप नहीं नकारेंगे और जो भी सत्ता में आते हैं उनका सम्मान करिए और उनसे जो है उम्मीद करिए कि वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ करें। और आपको भी को कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, ये भी आप सोच लीजिएगा, क्योंकि जनता में बहुत से लोग आते हैं, अब किस किस की समस्या सुनी जाएगी ये तो आपकी मेहनत भी बताएगी। खैर, यहां पर बताते हैं क्या है जो इतिहास में बदला है इस बार के चुनाव में। 10 साल पुरानी देखिए आम आदमी पार्टी और 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, बराबर की पार्टी अब हो गई है, वो भी कैसे, क्योंकि आज पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में हो गई, दिल्ली में और पंजाब में, और वहीं पर पंजाब में हारने के बाद में अब जो है कांग्रेस पार्टी देश में सिर्फ 2 ही राज्यों में सिमट करके रह गई है। अब इतनी भारी भरकम, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की, आजादी दिलाने में बड़ा जो है योगदान, उसके बाद से जाने कितने सालों तक उन्होंने राज किया और अब
वो केवल दो राज्यों में सिमट करके रह गए हैं। तो ये तो है समय का चक्र, यानी समय का पहिया है, जो भैया आज इधर है कल उधर होगा। तो ऐसा भी नहीं कि यूपी में आज बाबा जी हैं तो कल नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता रहता है, ये आप सब जानते हो। तो आज जो है कल वो बदलेगा, और जो कल आएगा वो फिर आगे भी बदलेगा। तो आप लोग इस चीज को लेकर के कभी भी अपने लोगों से झगड़े मत करिए, किसी भी पार्टी को लेकर के मत लड़िए आपस में। यही आपको पहले भी समझा रहे थे, आज भी समझा रहे हैं। आगे देखिएगा, इसमें एक और तथ्य है, साल 1985 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी सरकार को जनता ने लगातार दूसरी बार चुना है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 248 सीटों के साथ बीजेपी दोबारा सरकार बनाने अब जा रही है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो आप देखिएगा, यह भी एक महारिकॉर्ड कहा जाएगा कि दूसरी बार सरकार जो है बीजेपी की सत्ता में आ रही, कोई भी एक्स वाई जेड सरकार ले लो जो 1985 के बाद में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। तो अब रही बात यहां पर, तो आप लोगों को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, सब लोग अगर खुश हैं तो हम भी खुश हैं। लेकिन उसी बीच आपको बता दें, एक दुखद समाचार भी आया है। यहां पर देखिएगा, हस्ती मुस्कुराती ये बहन है, सुपरवाइजर बहन है, और ये अब हम सबके बीच में नहीं रही है। इनका ये हाथरस जिले से आती है सुपरवाइजर सरला देवी बहन है। 12:30 बजे इनको जो है आज हार्ट अटैक वगैरह रात में आ गया था। तो ये आप देखिएगा, उन्हीं के निधन की सूचना हमारे पास आई है, मंजू देवी बहन हाथरस से आती, उनके द्वारा भेजी गई है। बड़ा दुख हुआ तस्वीर भी देख करके। तो यहां पर आप सबको बताना चाहेंगे कि इस दुनिया में भाइयों बहनों कुछ नहीं है, व्यर्थ आप लड़ रहे हो, व्यर्थ जो है चिंताओं को अपनी ओर खींच रहे हो और अपने मन को कष्ट दे रहे हो। मान लो आपकी सरकार नहीं जीती, मान लो बहुत से लोग सपा को चाहते होंगे, नहीं जीते हैं तो क्या दिक्कत है भाई, वैसे भी जीत जाते तो क्या आपके घर आकर के आपको कुछ बढ़िया सा एक पैकेज देकर के चले जाते, या आपके घर में आते कहते आपके लड़के लड़की कितने हैं, चलो इनको हम ले जा रहे हैं, इनको सब नौकरी देने जा रहे हैं, क्या ऐसा कर देते? अरे एक समाज कोई नहीं करेगा। या मान लो बीजेपी जीत गई तो क्या आपके घर में आएंगे, आपको पकड़ करके नौकरी दे देंगे कि चलो आपको नौकरी देंगे, रोजगार पे लगाएंगे? अरे कोई किसी को कुछ नहीं देगा, जो जीता वही ठीक है, अब जो करेंगे वो सबके लिए करेंगे। उदाहरण आप जो है वही ले लो, राशन पानी ले लो, अब हर कोई राशन लेने जाता है, अब माने या ना माने, चाहे वो विपक्ष वाला हो चाहे भैया पक्ष वाला हो, यानी चाहे बीजेपी के सपोर्टर हो चाहे बीजेपी के जो है अगेंस्ट वाले हो, हर कोई राशन लेने जाता है। अब चाहे सपा वाले हो वो भी राशन लेने चाहेंगे, क्योंकि भाई योजनाएं सबके लिए हैं, सरकार सबका जो करेगी सबका करेगी। तो अब आप सोचो, यहां पर जो है उसके लिए आप फिर व्यर्थ में क्यों लड़ रहे हो और व्यर्थ की चिंताएं अपने मन को कष्ट क्यों दे रहे हो? मैंने बहुत बार कहा है कि जो भी सरकार आती है उसका सम्मान करो, और इसीलिए मैं कभी नहीं कहता किस पार्टी को वोट करो, किधर जाओ किधर ना जाओ, आप स्वतंत्र हो, जिसको दिल चाहे उसको वोट दो, क्योंकि वोट देने से या पार्टी सत्ता में लाने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा, ये आप जानते हो, ये हम भी जानते हो, और आप भले ही ना जानते हो लेकिन हम आपसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम तमाम राज्यों पर नजर बनाए रखते हैं, कहां पर क्या हो रहा है, कौन सी सरकारें हैं, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, ये हमको पता है। इसीलिए हम जानते हैं सरकार कोई भी सत्ता में आ जाए संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। बिना संघर्ष के जो मिलेगा वो आपको थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, जो समय के साथ मिलता है, चाहे आप उसमें खुश रहो या फिर संघर्ष छेड़ो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो नहीं आप कर सकते, आपके हाथ में ही नहीं है, मान लो इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन, तो उसके लिए आप क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो? या कोई पार्टी नहीं जीती आपकी तो उसके लिए आप क्यों रो रहे हो, बेकार में रो रहे हो भैया? ऐसा आपका सोचना है, आप पढ़ो मेहनत करो, और क्योंकि बेरोजगारी तो भाई चरम पर है ही, तो आप लोगों को बता दें मेहनत तो ज्यादा करनी ही पड़ेगी, ये हर कोई जानता है। और ऐसा भी नहीं कि नौकरी नहीं मिली है, आप अपने ही आस पड़ोस में उठा लो, क्या इन 2-4-5 सालों में क्या टीचर नहीं हुए, क्या पुलिस वाले नहीं हुए, बहुत लोग हुए हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ चीजें हैं जो पिछली सरकारों से कुछ कम भी होंगी कुछ ज्यादा भी होंगी, तो वो तो अपना समय के साथ में है, और बाकी जनता ने जो चाहा वो हुआ। तो मुझे लगता है आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए इस मैटर को लेकर के, और अपनी खबरों को नियमित देखिए। और आगे आपको बताते हैं कि मानदेय कहां पर कितना कितना देखने को मिला है। अब देखिए, 1,000 रुपया इन्होंने कहा है कि इनके अकाउंट में आया है, शशिकरण बहन जो मेरठ से आती है, साथ ही एक ये बहन है सहजहां बेगन वाराणसी से 3,500 रुपया इनका आया है, सुशीला बहन रायबरेली से आती है, इनके भी अकाउंट में पैसा आया है, इन्होंने भी मैसेज भेजा हुआ है 3,500 रुपये का। साथ ही एक बहन है पिंकी हापुर से, इनके वहां भी 3,500 रुपये आया है, और ये है संगीता यादव सहारनपुर से, इनके वहां पर भी जो है 3,500 आया है, ऐसे 3,500 के सब मैसेज आए हैं। नीतू बहन गाजियाबाद से, और इनके अलावा यहां पर एक बहन है प्रभा पटेल बहराई से, 600 रुपया उन्होंने कहा आया है, और ये इन्होंने एक जानकारी भेजी कि प्रभा पटेल बहराई से, भैया जी हमारी ड्यूटी इलेक्शन में लगी थी 3rd नंबर पर, और हमको 600 रुपया इलेक्शन में ड्यूटी का मिला है। तो ध्यान देना, ये सिंपल वाली ड्यूटी नहीं है, ये पोलिंग पार्टियां जो बना करके भेजी गई थी उसमें बूथ पर जो 3rd नंबर पर ये जो लगाई गई थी
जो पार्टियों में लोग होते हैं ना कैंडिडेट, उनमें लगा करके तीसरे नंबर पर भेजी गई थी, इसलिए उनको 600 रुपया मिला है। आगे देखिएगा, यहां पर विमला देवेन आती हैं पिहानी हरदोई से, उनके वहां पर भी ये 500 रुपया उन्होंने फेव मैसेज भेजा है। इनके अलावा माया देवेन चित्रकूट से, इनका भी 500 रुपया आया है। और नीचे उन्होंने लिखा है, चित्रकूट से हूं और मेरे यहां चुनाव ड्यूटी में जो लगी थी उनको 500 रुपया खाते में आए थे, 230 रुपया नकद भी मिले थे, मेरा नाम माया देवी है। तो इनका कहना है चित्रकूट में माया देवी बहन का, इनके वहां जो है 230 रुपया इनको जो है नकद दिए गए और 500 रुपया इनके खाते में है, ऐसा इन्होंने कहा है, बाकी मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। रेखा गौतम बहन कन्नौज से आती है, 3500 रुपया इनका आया है। और इनके अलावा किरण बहन कन्नौज से आती है, इनका भी 3500 आया है। और ये बहन सुमति शर्मा कानपुर नगर से, इनका भी 3500 आया है। ये 3500 सब पीएलआई प्रोत्साहन का पैसा है, मानदेय आपका 4 महीनों से नहीं आ पा रहा है, वो बकाया भी है, तो इस बारे में भी आप ध्यान दीजिए। संतोला देवन बस्ती से आती, इनका भी 3250 आया है। और इनके अलावा ये बहन है निधि सिंह लखनऊ से, इनका भी जो है 2-3 मैसेज आए हैं, इन्होंने उन सब के बारे में जानकारी भेजी, एक तो 500 का, एक और 500 का, और एक यहां पर जो 3500 का है। इनके अलावा ये है सरोज शर्मा बहन गाजियाबाद से, इनका भी 3500 आया है। और इनके अलावा ये है ममता बहन कासगंज से, इनका 1000 का मैसेज और 3500 का मैसेज, इनके 2 मैसेज आए हैं। 1000 वाला आया है इनका 10 जो है अभी बता रहे कितना, यहां पर डेट आप देख सकते हो 10 जनवरी को इनका लगा था, ये इनका पुराना 1000, अभी जो आया वो 3500, ये इनका नया है। बाकी चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, ये 3500 आया साधिका बहन सिद्धार्थनगर से। और इनके अलावा जो है 3500 रुपया आया है, एक ये भी बहन है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, किसी बेटे ने भेजा उनको, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी का आया है। बाकी कुसुम लता बहन फैजाबाद से, इन्होंने अपने वहां से मैसेज भेजा, इनका भी जो पैसा 3250 आया है। रेखा वर्मा बहन लखनऊ से, इनका भी 3500 आया, तो 3500 ऐसे पैसे आए हैं। एक और ये बहन है, इनका नाम कुसुम शर्मा है और इनका भी जो बस्ती जिले से, इनका भी आ गया है। बाकी जयप्रकाश यादव कुशीनगर से, इनका भी 3500 आया। और ये एक है, इनका भी पीएलआई का 3500, इन्होंने नाम नहीं बताया, शीला बहन है बाराबंकी से, इनका भी 3500 आया। और इनके अलावा एकता सिंह बहन आजमगढ़ से, इन्होंने एक ये मैसेज भेजा, इनका भी 3500 रुपया आ जा गया। और इनके अलावा ये हैं यहां पर 3500 रुपया चित्रकूट से, रेखा बहन, इनका भी आ गया। और साथ ही ये बहन है जो है निर्वाचन का पैसा है, भैया जी क्या ये निर्वाचन का पैसा, ऐसा उन्होंने भेजा 3500 रुपया, ऐसा बहन नहीं है, ये निर्वाचन का पैसा नहीं है, तो यहां पर आप ध्यान देना, ये आपका 3500 रुपया प्रोत्साहन का है। सुमन देवी बहन संभल से है, इनका भी 3500 रुपया आ गया है। और साथ ही एक ये बहन है अंजलि सिंह कुशीनगर से, इनका भी जो 3250 रुपया आ गया है। बाकी उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है, तो यहां पर इनका कहना है कि 3500 और 3250 रुपए जो है यह राज्य का पैसा है, हमको यही लग रहा है, तो लगने से कुछ नहीं होता, पीएलआई का पैसा है, बहन बता दिया गया है। बाकी देखिए हरदोई जिले से आंगनबाड़ी बहन आती है, मिनी है ये आंगनबाड़ी, नाम नहीं बताया, इनका भी 3250 आया है। और ये है नितेश जो निडर जो बुलंदशहर से, इनका भी आ गया। और सुशीला रायबरेली से बहन है, इनका भी आ गया। साथ ही एक ये बहन है जो है सुदेश यादव जो है जो कि बुलंदशहर से है, इनका भी आ गया। और इनके अलावा ये एक बहन है, इनका नाम ये कुशीनगर से आती है, रिंकू सिंह बहन, इनका भी 3500 आ गया। और बाकी जो है कुसुम बहन अमरोहा से, इनका भी जो है यहां पर 3500 आ गया। बाकी उन्होंने कहा पहले भी 8500 आए थे, तो 12000 तक ऐसे इनके हो गए हैं। बाकी और देखिएगा सना अंसारी बहन उत्तराखंड से हैं, इनके वहां पर जो है इनका कहना है कि इनके वहां पैसा नहीं आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि हमारे यहां उत्तराखंड में भैया जी जो है जनवरी माह का जो आधा मानदेय आया था, तब से जो उनके वहां पर कोई पैसा नहीं आया, तो उत्तराखंड में बहने पैसों को लेकर के अपनी परेशान है। बाकी सीमा फातिमा बहन पीलीभीत से, इनका यहां पर पैसा आ गया है। और ये है सुभनीश लता फरुखाबाद से, इनका भी आ गया है। ये है प्रवीण कुमार भाई एटा से, 3500 रुपया उनका कहना किया गया है, पता नहीं किसके, तो पीएलआई के हैं। और इनके अलावा आपको बता दें बाकी आंगनबाड़ी बहनों आप सबका जो है वो सब बकाया है। इन्होंने कहा है कि आपके पास बीजेपी का घोषणा पत्र हो तो मुझे प्लीज भेज दीजिएगा, बता दें कि आंगनबाड़ी व किसानों के लिए क्या करेगी, जैसे कि केसीसी वगैरह माफ ऐसे करके। तो देखो हमारे पास घोषणा पत्र नहीं है, जो भी चीजें होती है दिखाने के बाद डिलीट कर दी जाती है। और वैसे भी बीजेपी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए इस बार जो है एक भी जो है घोषणा पत्र में लाइन नहीं लिखी है, तो इस बार आपको सरकार जो भी अगर देगी तो अपने स्वयं से ही देगी, स्वेच्छा से देगी तो देगी, वरना वचनबद्ध नहीं है लिखने के लिए कि जो है आपको इस बार हम ये करेंगे या वो करेंगे। पिछली बार जो सरकार वचनबद्ध थी तब तो उन्होंने आपको जो दिया सो दिया, तो भीख भीख जैसा दिया। अब इस बार सरकार क्या देती है पता नहीं, तो कहावत वही होगी, बिन मांगे जो है यहां पर मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो यहां पर बहनों ने मांगा था तो बहनों को भीख मिली है, अब बिना मांगे सरकार क्या देगी वो आने वाला वक्त बताएगा। महिमा दुबे बहन मिर्जापुर से, उन्होंने आपसे एक फोटो भेजी, और विनीता बहन इटावा से, और इनके अलावा ये बहन है सुधा सिद्धार्थनगर से, और इनके अलावा ये है शांति नागौर से, और ये है राजकुमारी बहन गोंडा से। और आज शाम का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज इतना ही रहेगा। सुबह के वीडियो में सरकारी आदेश तमाम जो है लेटर वेटर आपको दिखाए जाएंगे, तो प्लीज सुबह के वीडियो पर डिपेंड रहना। और कल मिलते हैं आपको सुबह की खबरों में, आज शाम के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते एक बार कमेंट में जरूर बताना, भाजपा सरकार के आने से आप खुश हैं या दुखी हैं, कमेंट में बस इतना बता दीजिएगा। बाकी हमको कोई किसी से कोई जो परेशानी या दिक्कत नहीं है, आप खुश हैं, हम भी खुश हैं, आप दुख हैं, आप यानी आप दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं, क्योंकि आपके सुख दुख में हम आपके साथ हैं, ऑल इंडिया परिवार साथ है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो में